हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। कुछ दिनों से आप लोगों को ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे हैं और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने की। आज भी उसी की तैयारी है। जैसे लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बोला था कि कुछ प्रैंक याद आ रहा, तो वही सोच रहे हम लोग। आज का प्लान जो भी है वो आप लोगों को आगे वैसे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल घर पर क्या हो रहा था वो देख लीजिए, ठीक है? और अभी तक ब्लॉग को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अभी मम्मी का पैर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से ठीक होते जा रहा है, जो भी हम वो जड़ी बूटी लगा रहे उससे, है ना? वो पहले लगा लेते तो इतना होता ही नहीं, कब का ठीक हो जाता। और इन दोनों को देखो, सुबह सुबह आज तो संडे हो गया, संडे के दिन खेल रहे हैं अपना ये गेम। तो गाइस अभी हम गुड्डी बर्थडे कर रहे हैं, भैया ने उसके जेब में तो पैसा मिला था तो वो लिया है। सही समझ गए, समझ गए, लग गई। बाहर खेलो वहाँ पे, यहाँ का खेले घर में। और गाइस, कल नाना की गर्लफ्रेंड का फेस तो सबने देख ही लिया, और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो कल अगर आप में से किसी ने नहीं देखा कल का ब्लॉग तो जाकर देखना। मैंने कल के ब्लॉग में नाना की गर्लफ्रेंड का फेस रिवील करा है और इसको बात करते हुए भी पकड़ा था मैंने, ठीक है? तो आप में से किसी ने अगर ब्लॉग कल का नहीं देखा तो देखना। मुझे लग गई है सुबह सुबह से भूख, सुबह सुबह तो नहीं हो रही, अभी लगभग 11:30 बजने वाली है। लगभग सभी ने खाना खा लिया होगा, मैंने नहीं खाया। पहले मैं चेक करता हूँ खाने में क्या है। आप लोग कमेंट करके बता देना खाने में क्या होगा। आप लोग बोलेंगे तुअर की दाल, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ तुअर की दाल ही बनती है। देखो आ जाइए, लेकिन नहीं आज बनी है गिलकी की सब्जी। देखो ये गिलकी की सब्जी बनी है, और पहले ना मुझे गिलकी की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं बहुत खाता था पहले, क्योंकि ऐसा रहता था पहले ना हम गिलकी घर ही लगाते थे, घर के आसपास जो रेले वगैरह लगा देते थे, बीज लगा देते थे, पूरे हमारे घर के ऊपर आ जाते थे। और वो वाली जो घर लगाते थे वो वाली गिलकी का स्वाद अलग ही लेवल का होता है। और ये तो मार्केट से लेके आए सब्जी, ये भी ठीक ही है, बट उसकी बात अलग है। बरसात का मौसम आता है, उससे पहले बीज लगा दो पूरे घर के ऊपर आ जाते, हर साल लगाते थे, लेकिन अभी जगह नहीं बची इस वजह से, अब यही खाएंगे। कितनी बकवास करने लग गया हूँ मैं, आप लोग मुझे झेलते कैसे हो? आप लोग मुझे झेलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस लोगों को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही चाहिए, ठीक है? ओ गाइस, यहाँ पर एक जगह पे अपने वो झाड़ की इधर वहाँ पर लगा सकते गिलकी बीज के? नहीं लगा सकते, अपने चाचा की जगह है वो। वो आया था ना ठेला वाला, उसमें ना बगाते थे बम बम। काफी टाइम से दोनों के दोनों कमल का वेट कर रहे थे, ठीक है? कमल आ गया है, लेकिन जो हम लोगों ने प्लान करा था उसको कैसे सक्सेस करें, उसके साथ प्रैंक कैसे करें। करना इतना आसान नहीं, किसी के साथ प्रैंक करना इतना आसान नहीं है, और जिस चीज़ के लिए हम करना चाह रहे प्रैंक वो इतना भी आसान नहीं। तो आप लोग भी आगे देखना हम कर पाते हैं कि नहीं, हमारे प्लान में हम सक्सेस हो पाते हैं कि नहीं। फिलहाल अभी कमल को दिखा देते हैं, आ गया है खाना वाना खा रहा। तो नानिया मोबाइल चालू रखेगा, मैं उसके पास जाऊँगा, पता मत चलने देना कि मोबाइल चालू है ना, ठीक है ना? ओके। चुपचाप लेना इधर पीछे भैया आ चुके हैं, और भैया भी देख रहे हैं मैच। फिर केस देख रहे कैसे और विराट कोहली का, ये दो ही जो आउट होगा यार, काय करे यार, फिर भी जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, क्योंकि अभी रोहित शर्मा इनका टोको गेंद का छक्का छोड़ा होगा। वाह वाह वाह, बहुत सही। ठंडी के टाइम में कौन नींबू पानी पीता है? और मम्मी अभी चाय बना रहे दोपहर को, ये जो बोला था वो छोड़ के नींबू पानी पी रहा उसके साथ, फिर नींबू पानी पीने लग गया। पहले नींबू पानी, पहले पेट पूजा, उसके बाद काम पूजा, ठीक है ठीक है। बिट्टू दोनों तो दिख ही नहीं रहे, गए का कहाँ खेल रहे? अरे बाप रे, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, वैसे आज संडे है तो खेलने के लिए चले गए दोनों के दोनों शैतान। ये नींबू है ना, इसका पानी मुंह में सारा का सारा रखना है थोड़ी देर के लिए। हाँ
अगर मैंने कर दिया उसके बदले क्या मिलेगा? उसके बदले कमल भैया जो भी बोले वो। नहीं नहीं ऐसा देखो भैया, अगर कोई चैलेंज करने के लिए ये बोल रहा है, ठीक है, चैलेंज करने के लिए बोल रहा, इसके बदले कुछ मिलना भी तो चाहिए ना। ये तो पी गया नींबू पानी, ये पीते भी जा रहे हैं उसमें डालते भी जा रहे, हम नहीं खाएंगे। हिट ऊपर से भैया, हिट हिट नहीं, हिट गंदी बात है। नहीं भाई ऐसा करके कर हम मोटा कर देंगे। नहीं इसके बदले अगर मुझे कुछ मिले, देखो ऐसा करके कर भी दूं मैं कर दूं, लेकिन इसके बदले कुछ मिलना भी चाहिए ना। जब तो फिर कुछ करवा के दे, कुछ कुछ भी जो नीड होती है हर बॉयज की सेटिंग। मतलब मोबाइल की सेटिंग गलत मत चाहिए आप। तो गाइस मैं नहीं करूंगा ये चैलेंज। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या करना है मैं क्यों करूँ बदले में कुछ? देखा पक्का वापिस नहीं दू? थोड़ी देर का नहीं 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 इसको क्या लगता है कि मैं चैलेंज पूरा नहीं कर सकता? चीटिंग कर रहा है, चीटिंग। पहले उसका पानी निकल रहा है, निकल गया है। कितना कितना कट्टा है, किसी ने देखा तो नहीं? देखा चैलेंज पूरा कर दिया। इसने बोला था ऐसे करना है, वैसे ही करा। बाकी इसके आगे थोड़ी कुछ बोला था तुम्हें? क्या बोला था? पानी मुंह में रखना है। पानी को मुंह में कैसे रख सकते हैं? मैंने कुछ कमेंट नोटिस करे थे कि मम्मी को ज़्यादा मीठा मत खाने देना, उसके बावजूद भी मम्मी देखो मीठी मीठी चाय बना लेती है, तो बिस्किट ले लिया और खा रही है। ऐसे में पाँव कैसे ठीक होगा? बिस्किट नहीं ना क्या? तोस भी है लेकिन चाय तो मीठी होगी ना, आपको बोला है ना मीठी चाय मत बना के पीना। करना पड़ेगा। चाय कितने पक रही थी? ये देखो ये नाना टाने आज चाय है ना, अकेले नहीं पीताई है ये, बोलता है किचन को भी पिलाऊंगा मैं। तो ये देखो अभी ये किचन को उसने चाय पिलाई और अभी उसका मुंह गंदा हो गया था तो साफ कर रहा है किचन का। ऐसा इंसान होना चाहिए। नाना की हंसी पे कोई ना कोई लड़की फंसी। चाय होना चाहिए। नाना एक बात पूछूं? एक ही बात पूछूं? हंसेगा नहीं तो तू बहुत खुश होगा वो बात सुन के। इधर तो देख, भूल गया। चल चल पूछ ही लेता हूँ, याद आ गया। चल कमल पूछ रहा है इससे ना, पूछू इससे एक बात पूछू? अच्छा तेरी खूबसूरती का राज क्या है? सीरियस हो गया आज क्यों राज? सॉरी सॉरी, इतनी खूबसूरती कहाँ से लेके आते हैं? नानिया नानिया, अगर तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो तेरे को क्या बोलेगी? नानिया बोलेगी? नानिया नानिया इज माय बॉयफ्रेंड, नानिया इज माय हस्बैंड। नानिया नानिया का मीनिंग पता है क्या होता है? नानिया मतलब एक छोटा सा रहता है, छोटा सा, उसको बोलते हैं नानिया। गर्लफ्रेंड प्यार से क्या बोलती? नान्या जान। नानू जान, जानू, नानू जानू, नान्या जानू, नान्या जानू बोलती, नान्या जानू। ये अकेले अकेले पी रहे, लेकिन ये नींबू पानी है कि ढोला पानी है? कह रहे मेरे को तो ढोला पानी दिख रहा है। तो गाइस निमाड़ी भाषा में ढोला पानी मतलब, हिंदी में ढोला पानी का मतलब होता है गंदा पानी, मतलब ऐसा दिख रहा है वो नींबू पानी, तो गंदा पानी दिख रहा। तो गाइस अभी लगभग शाम के 5:30 बज गए और अभी मैं ना बिट्टू को मैं मार्केट ही ले जा रहा था इसकी कटिंग वगैरह करवाने के लिए, लेकिन अभी भारत काका है जो कि हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो ये ना एक रिश्ता मतलब, अभी इसमें एक जगह काम करने गए थे ना, तो वहाँ पर मतलब हमारे कास्ट के भी लोग थे, वो भी साथ में काम करने गए थे, तो वहाँ पर एक लड़की के काका ने देखी हुई है, तो वही बोल रहे थे कि मैंने बात करी है तुम लोगों के बारे में, तो फिर आप लोगों को भी पता चलेगा। हम भी सोच रहे क्योंकि ऐसा है कि अभी कोई मतलब रिश्ते की कोई बात भी नहीं लगवाता ना, पापा रहते तो सब करते हैं, अब वो है ही नहीं और कोई साथ भी नहीं देता है, तो इस वजह से काका कहे थे काम करने, तो देखा उन्होंने तो सोचा बात कर लूँ। मालिक का समझो नहीं बोलता मैंने, वो कहे तो भी बताएगा मैंने, को एक काम कर दी बेटा, वो कि माइक कहे उनको बहू उनको छोरा दो इच्छे और एक डोकरी से, बड़ो भाई शांत हुई, डोकरो शांत हुई है नहीं, मनको घर अच्छो पक्को बनेल छे, मारा घर का पछेड़ अगर कहीं भी वांदा आवे तो तू डोकरी मका पकड़ती मारी नदी पकड़ती,
तो अभी मम्मी से बात कर रहे काका, हम समझा काका, काका बता रहे कि गोरे जन पोरे छे हाजरे। तो गाइस अभी तो बिट्टू की हेयर कट करवा रहा हूँ मैं, ये मेरे दोस्त के पास आया हूँ, स्कूल फ्रेंड के पास, राहुल के पास, अभी हेयर कट करवाते हैं इसकी पहले ना। तो गाइस बिट्टू की अभी जो हेयर कट हो रहे हैं ना, ये अब तक की सबसे बेस्ट हेयर कट है। आप लोगों को देखना जब फाइनल हो जाएगा ना तब दिखाऊंगा, तो बिट्टू का लुक देखना कितना अच्छा लगेगा। फाइनली देखो बिट्टू का लुक कैसा लग रहा है, पलट अब कितना अच्छा लग रहा है ना, स्मार्ट बन गया बिट्टू का। देखो अब तक की बिट्टू की हेयर कट करवा के ले आया, देख के बता कैसी है, कैसा लग रहा है। अच्छी है ना, बता रहा मंडे तो पैर आए हैं। और गाइस जो प्लान था वो फेल हो चुका है, आप समझदार हो। ठीक इधर दिखा, अरे इधर भी कट मारा है, नहीं एक ही जगह रहता, इधर देखा, इधर देखो बेटा, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। इधर घूमना, अरे जरा धीरे से तो घूम, अरे आराम से, आराम से, बस इधर, बस इधर, बस इधर रहना। देखो अब अच्छे से दिखाता हूँ, ऐसे रहना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है बिट्टू। तो दो दो खुशखबरी है, दो दो खुशखबरी है मम्मी, दो दो खुशखबरी है ना, आज तो रोटी बनी कि नहीं बनी। हाँ दो दो खुशखबरी है, एक तो वो रिश्ते की बात होने वाली है, जो कि कभी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से बोल रहे हो हमारी शादी को लेकर कि कब होगी कब होगी कब होगी। सो आज आपने देख ही लिया ब्लॉग में, वैसे तो एक रिश्ते की बात चल रही है, जो भी होगा आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। लेकिन और दूसरी गुड न्यूज क्या है पता है, एक गुड न्यूज तो है कि रिश्ते की बात मतलब आई है, ठीक है, और दूसरी गुड न्यूज क्या है पता, क्या है पता, तेको नहीं पता क्या है, नहीं चेक करा तूने, क्या तू चेक नहीं करा है? तो फिर और दूसरी गुड न्यूज ये है कि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वेरीफाइड हो गया है, ब्लू टिक मिल गया है फाइनली फाइनली। काफी टाइम से मैंने अप्लाई करा हुआ था, तो मेरे बारे में ना गूगल पे बहुत सारा कुछ ना कुछ डला हुआ है, तो उसी के जरिए मिलता है, तो मैंने काफी टाइम से अप्लाई करके रखा था और आज सक्सेसफुल हो गया और फाइनली मुझे ब्लू टिक मिल गया। और एक चीज तो मैं भूल के आ गया, इतनी बड़ी खुशियाँ आई, इतनी क्यों मिठाई विठाई तो लाया, इनमें तो भूल आया नहीं शक्कर नहीं खिलाते, मिठाई कल खा लेंगे, क्या है कल खा लेंगे मिठाई। बहुत ज्यादा खुशी हो रही, फाइनली फाइनली मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड हो गया। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर इंस्टाग्राम पर चेक करना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संतोष रोखड़े 143, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा वहाँ पर, आप जाकर चेक भी कर सकते हो। और सच में आज बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, करता हूँ पहले आप लोगों को मेरा अकाउंट दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ कि ब्लू टिक मिला है कि नहीं, ठीक है। सो अभी सभी देख रहे, कमल भी देख ही रहा था कि क्या होता है ब्लू टिक, इसको तो पता ही नहीं है। सो ये देखो, देखो ये अभी वाइट दिख रहा है, अब इसकी प्रोफाइल ऑन करते हैं। ये मेरी प्रोफाइल ऑन करिए और फाइनली देखो ये है ब्लू टिक, और देखो मम्मी ब्लू टिक मिल गया, जो पॉपुलर रहते हैं ना उनको मिलता है, मम्मी को देखो कैसी खुश हो रही है। क्या लगता है यार ब्लू टिक जब मिलता है तो, मेरे 283,000 फॉलोअर्स हैं, फटाफट 1,000,000 कराइए। और अभी की कुछ रील ये डली हुई है जो कि अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी रील है जाके देखना।